देश के सबसे बड़े यूट्यूबर भुवन मैम अपने फैंस का दिल खुश करने से कभी पीछे नहीं हटते। इस बार भी यंगस्टर्स के लिए भुवन ऐसा कंटेंट ला रहे हैं जिसे देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। यूट्यूब पर अपने खुद की स्नेकेबल कंटेंट बनाने से लेकर पूरी सीरीज बनाने और सभी किरदारों को खुद से निभाने तक भुवन ने एक लंबा सफर तय किया है। हर कोई जानता है कि भुवन ने किन स्ट्रगल के साथ इस जर्नी को पूरा किया और यहाँ तक पहुंचे। हाल ही में सीरीज ताजा खबर की स्टार कास्ट प्रमोट करने के लिए पहुंचे, जिसमें यूट्यूब सेंसेशन भुवन मैम, श्रेया देवे भोजानी, प्रथमेश परम ने वहां अपने अपने रोल को लेकर बात की। जो हमारी सीरीज है, इट्स अ ड्रामा एंड कॉमेडी, इट्स ड्रामेडी, दैट्स हाउ आई थिंक ऑफ इट। और मेरा लुक बहुत अलग है, यू नो आई एम प्लेइंग अ सेक्स वर्कर, इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा और एक एक वाइब भी अलग है हमारी सीरीज की। इट वाज अमेजिंग एंड वर्किंग विद दिस मैन राइट हियर वाज इनक्रेडिबल। ये रोल हुसैन भाई अब्बास भाई ने लिखा है ये शो, और उन्होंने मुझे बोला कि वस्या प्ले करना है, तो वहीं से कहानी शुरू हुई, वहीं से लिखावट शुरू हुई, शो डेवलपमेंट चालू हुआ, और फिर ग्रेजुअली हमने कहा मधु कैसे किसको कास्ट करें, और फिर जो पहला नाम आया वो श्रेया जी का आया, एंड देन फाइनली फिर वो बैठ के वहाँ चटकारे भर रहे महबूब भाई हमारे, तो धीरे धीरे करके पूरी कास्ट बनी और पूरा शो विद इन अ ईयर। और जेन्युइनली कहानी बहुत मज़ेदार है, ऐसे नहीं कह रही हूँ, अगर इवन इफ आई वाज नॉट इन द शो, अगर मैं ये शो देखती मुझे उतना ही मजा आता। कैरेक्टर है महबूब भाई का, इस टाइप का कैरेक्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है, इसमें मेरा अलग ही गेटअप है, फ्रेंच बियर्ड है और लाल हीना वाले बाल हैं, और ये तो फिर भी ऊपर वाला यू नो गेटअप है, बाकी अंदर से अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इस टाइप का किरदार मैंने आज से पहले कभी नहीं निभाया। इसमें कॉमेडी मेरे हिस्से बहुत कम आई है, पर उसी बात की मुझे खुशी है, थोड़ा सा इमोशनल किरदार है, दिल को छू जाने वाला किरदार है, ये एक अंडा पाव बेचने वाला, घर घर जाकर साइकिल पे जाने वाला महबूब भाई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है, और ये शो बहुत प्यारा है, और मेरे साथी कलाकार प्रथमेश, भुवन बाम, श्रिया, सब लोग एक से बढ़कर एक हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। तो ट्रेलर का बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि भुवन के लुक्स उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वस्या के, और सर का जो एक पंच है उसमें वो क्या मार के आया क्या वो उस पर भी बहुत लाफ्टर आया उस पर, और मेरा जो कैरेक्टर है पीटर नाम का कैरेक्टर है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं ना गैंग में जिनको हम थोड़े अनोइंग होते हैं, मतलब ये नहीं आए तो चले गए, मतलब इसको मत बुलाओ, लेकिन वो नहीं आता तो उसको मिस करते, तो वैसा पीटर है, वैसे कैरेक्टर है, और मुझे ऐसा लगता है कि महबूब भाई और उसका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो महबूब भाई उसको चिल्लाते रहते हैं हर टाइम, और वो पीटर भी उनकी खींचते रहते हैं बार बार, और वस्या के साथ भी उसका बॉन्डिंग, मतलब भुवन के साथ भी बॉन्डिंग है, श्रेया के साथ भी बॉन्डिंग है, अब भुवन के साथ ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे से कभी रिस्पेक्ट से बात ही नहीं करते, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसके लाइफ में तो पहले आके वो पीटर को बताएगा, और पीटर के लाइफ में कुछ हो जाए तो वो वस्या को आके बताएगा, और उसका सॉल्यूशन महबूब भाई देंगे, तो ऐसा एक बॉन्ड है हम सबका, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज जो है ना वो लोगों को इतनी अच्छी लगी कि बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स है। साथ ही बता दें कि सीरीज हिमांक गौर के द्वारा डायरेक्ट की गई है और डियो हुसैन और अब्बास दलाल के द्वारा लिखी गई है। 6 जनवरी 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये रिलीज होगी। सबकी फेवरेट यूट्यूबर भुवन मैम अपने अपकमिंग सीरीज ताजा खबर में एक सफाई कर्मचारी वसंत गावड़े के रोल में दिखेंगे। इसमें उसे गिफ्ट के तौर पर खास पावर मिलती है। इस पावर के जरिए वह घटना से पहले ही न्यूज ब्रेक कर देता है।